जम्मू में आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए फाजिल्का की समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च शास्त्री चौक से शुरू होकर घंटाघर पर आकर समाप्त हुआ। इस समय 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मार्च में समाज सेवी संस्थाओं के मेंबरों के अलावा भारी गिनती में शहरवासी भी शामिल हुए। एकत्र हुए लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद वे शहीद अमर रहे के नारे लगाए। लोगों ने भारत सरकार से मांग की कि शहीदों के बलिदान का पाकिस्तान से बदला लिया जाए। उन्होंने कहा कि अब की बार पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए ताकि वे फिर कोई हिमाकत न कर पाए। पुलवामा दे विच नरसंहार होया, हिंदुस्तान दे सूरवीरां दे उपर एक कायराना जिहड़ा हमला किया गया, उन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण दे वास्ते इकट्ठे होए आ। इह कोई अज राजनीतिक मंच नहीं है, साडे विच कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कोई अजिही गल नहीं करेगा जिस दे नाल उन्हां शूरवीरां दी आत्मा दुख पावे। असीं अज सिर्फ इत्थे उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण वास्ते इकट्ठे होए हां। कल तों लैके हुण तक लगातार टीवी चैनल दे उप्पर असीं देख रहे हां, हर हिंदुस्तानी दी इक्को ही आवाज़ है इस सरकार दे अगे कि कदों तक साढ़े सैनिक शहीद होंदे रहेंगे। बिना अलाणिया जंग ये जी हिंदुस्तान के चल रहे हैं, इसका जवाब तो उन्होंने उग्रवादियों और उन्होंने सरप्रस्ता सू देना ही पवेगा। ये आवाज कल दी हिंदुस्तान के रही है। मैं अपने इस संबोधन के राही सरकार तक ये आवाज पहुंचानी चाहना कि जिथे करोड़ों हिंदुस्तानियों की आवाज है कि इसका बदला लिया जाए और जल्दी लिया जाए। उस आवाज के मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी फाजिलका और जिला कांग्रेस कमेटी फाजिलका की आवाज भी पहुंचाना चाहना कि असी भी उन्होंने भारतीयों के शामिल हाँ जिहड़े पुरजोर मंग करते हैं साड़ी केंद्र सरकार तो कि इन्हां जिहड़े शहीद होए जवानों का बदला जल्दी तो जल्दी लिया जाए और राजनीतिक तो उपर उठ के असी सारे सरकार के फैसले के नाल होवांगे। और जिस तरह सानू साडे नेता राहुल गांधी जी का साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जाखड़ साहब का जो भी सानू हाईकमान का हुक्म मिलेगा साडा एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के वास्ते तैयार बैठा है। इन्हां शब्दों के नाल मैं एक बार फिर कल शहीद होए CRPF के जवानों नू पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला कांग्रेस कमेटी के वल्लों श्रद्धा सुमन अर्पित करता होया परमात्मा के अगे दुआ करदा कि उन्होंने बैकुंठ विच निवास होवे और पिछे जो उन्होंने परिवार है और परिवार नूं जिहड़े भाणा मनन का बल बख्शे और साडी केंद्र सरकार तक साडी आवाज ये जल्दी पहुंचे। यही कामना मैं करता होया सारे वीरां नूं ये बेनती करांगा कि हाथ विच कैंडल लैके एक मिनट के वास्ते उन्हां शूरवीरां दे प्रति उन्हां शहीदां दे प्रति तुसीं मौन प्रार्थना करनी है और उस तों बाद 3 नारे लगा के अज दी सभा असीं विसर्जित करांगे। असीं कोई इत्थे बयानबाजी करन नहीं आए, किसी नूं असीं निंदन नहीं आए, असीं सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि देण आए हाँ और श्रद्धांजलि तक ही असीं अज दी सभा नूं जिहड़ा सीमित रखना है। इस करके सब नूं बेनती है कि एक मिनट दे वास्ते सब ने मौन करदे होए उस तों बाद सभा विसर्जित करन। भारत माता की देश दे शूरवीर अमर रहे, अमर रहे देश दे शूरवीर जवान अमर रहे, अमर रहे देश दे शूरवीर जवान अमर रहे, अमर
ਸੁਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸੀ RPF BSF ਆਰਮੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜੇ ਸੋਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆਦਿ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ ਘੰਟਾਘਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਰਹੇਗੀ।